गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का एक और सेशन। डेट है आज 2 जून और शाम के बजने वाले हैं 4। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है फ्रेंड्स और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को नाम है शेयर एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये वीडियोज़ और इनसे कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है सो काइंडली वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए वीडियोज़ पर। और अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर सिंपल मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, शर्त सिर्फ एक है कि ये चैनल मार्केट में चल रहे दूसरे हज़ारों चैनल्स की तरह नहीं है जहां पर कि गैम्बलिंग या फिर स्पेकुलेशन किया जाता है। हम यहां पर शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और उसके बाद एनालिसिस के बाद पोजिशनल होल्डिंग्स की सलाह देते हैं जिनमें मिनिमम पोजिशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम पोजिशंस एक साल या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो होल्डिंग के तौर पर की जाती है। सो अगर आप एक पोर्टफोलियो मेकर हैं और लंबे समय के लिए शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जितना लंबा हमारा समय का निवेश होता है उतना ही लंबा हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी होते हैं। हम यहाँ पर 1 या 2% के रिटर्न के लिए किसी भी शेयर को खरीदारी नहीं करते हैं। हमारे मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मार्केट के अंदर 10% होते हैं किसी भी एक शेयर से। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये सीरीज़ हमारी लर्न टू अर्न सीरीज का 7वां वीडियो है जिसे अब तक बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है लर्न टू अर्न सीरीज़ को। और वो लोग जो बिल्कुल न्यू कमर हैं मार्केट के अंदर और सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उन्हीं के लिए लेकर आए हैं आज हम 7वां वीडियो इसी सीरीज़ का जो कि है इंडिकेटर्स क्या हैं और मूविंग एवरेजेस का बेस्ट यूज़ कैसे करना है। जी हाँ, एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं, टॉपिक है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और मूविंग एवरेज इंडिकेटर का बेस्ट यूज़ कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए। इससे पहले आपको लर्न टू अर्न सीरीज़ के सभी वीडियोज़ एक सीरीज़ में देखने चाहिए 1, 2, 3, 4 करके, तब जो आज हम सिखाने जा रहे हैं ये आपकी बेहतर समझ में आएगा। वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि ये चैनल क्या बकवास कर रहा है और फिर आप इस चैनल से जुड़ नहीं पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन और सबसे पहले हम लेते हैं कि आखिर इंडिकेटर्स क्या हैं। जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, वो सॉफ्टवेयर है ट्रेड टाइगर, वर्जन है 2.5, आप सभी जानते हैं। सो हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी तक के 6 वीडियोज़ आपने हमारे देखे हैं। जिस टाइप ऑफ चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, वो सेम वही चार्ट है जो हम अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं लगातार, कैंडलस्टिक पैटर्न, और वो भी डेली का कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि एक कैंडल जो है वो एक दिन के मूवमेंट को दर्शा रही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आखिर इंडिकेटर्स क्या हैं। सो नॉर्मली आज तक जो हमने सीखा था वो था कि किसी भी शेयर को टेक्निकली एनालाइज करने के लिए एक तो आपको उसका चार्ट चाहिए, सेकेंड चीज जो आपको चाहिए वो है उसका वॉल्यूम। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट तीसरी चीज है कि मार्केट के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ऐसी हेल्प है जिसका इस्तेमाल करके आप चार्ट्स को आसानी से एनालाइज कर लेते हैं। इन्हीं हेल्प्स का नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर शब्द बना है इंडिकेशन से और इंडिकेशन का मतलब है वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है? ये इंडिकेटर्स आपकी इस बारे में हेल्प करते हैं कि आपको शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक, इंडिकेटर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब जो किसी भी शेयर के मूवमेंट से पहले ही आपको जानकारी एक अंदाज़ा दे देता है कि शेयर किस तरफ जाएगा, और दूसरा लैगिंग इंडिकेटर्स जो कि मूवमेंट के बाद एक कन्फर्मेटरी मूव देते हैं कि हाँ जो मूवमेंट हो रहा है शेयर के अंदर वो सही है या गलत। अब फ्रेंड्स, इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है और वो ये है कि इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस कि आखिर लीडिंग या लैगिंग इंडिकेटर्स के अंतर्गत कौन से इंडिकेटर्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये बताइए कि किस इंडिकेटर के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुन रखा है, किस इंडिकेटर के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुन रखा है मार्केट में, और आपको क्या लगता है कि कौन सा इंडिकेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है मूविंग एवरेज। मार्केट में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। अब सवाल यह है कि आखिर मूविंग एवरेज क्या होता है। सो मूविंग एवरेज क्या है ये जानने के लिए ये है वो फॉर्मूला जो आपको गूगल पर सर्च करने से मिलेगा। द फॉर्मूला फॉर मूविंग एवरेजेज आर, ये सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला है। अब जरा एक बात बताइए हमें, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आपको क्या मिलने वाला है? अगर आप इस फॉर्मूले को याद भी कर लेते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा इससे? इसीलिए शेयर एकेडमी का मकसद है सिर्फ उतनी बात करना जितनी आपके लिए ज़रूरी है। हमें इसके रूल से कोई मतलब नहीं है कि ये फार्मूला किस रूल के तहत निकाला गया है या सिंपल मूविंग एवरेज किस रूल के तहत ड्रॉ किया जा रहा है। हमें सिर्फ ये मकसद है कि इस सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग हैं बिगिनर्स, बिल्कुल न्यू कमर्स, तो आपको हम सिर्फ उतना बताएंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है।
जब एक बार आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीख जाएं, उसके बाद आप इसके डिटेल में जा सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला कैसे डेराइव किया जाता है, इसमें ई क्या है, एम क्या है, ए क्या है। ओके, सो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो सिंपल है कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहला सवाल। ओके, किसी भी सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आपको ड्रॉ करने के लिए मूविंग एवरेजेस दिख जाएंगे, और हम ड्रॉ करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज को, इस्तेमाल करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज को। जस्ट अ मिनट फ्रेंड, ओके, और हम इस्तेमाल करेंगे मूविंग एवरेज को, और वो भी सिंपल मूविंग एवरेज को, 30 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज। अब ध्यान से देखिए, जब भी आप कभी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली एक लाइन होती है, और असल में ये निकलती कैसे है, मूविंग एवरेज, एवरेज का मतलब है कि मान लीजिए कि ये 30 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो इसका मतलब है कि पिछले 30 दिनों का जो भी वॉल्यूम था, माफ कीजिएगा, जो भी रेट था, उस रेट को आपस में जोड़ा गया 30 दिनों का, और उसके बाद उसे 30 से भाग कर दिया गया। बट ये सारी चीज़ें इतनी टफ हैं कि इसे डिस्कस करने का मतलब नहीं है, मतलब है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अब ध्यान से सुनिए, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है शेयर के ट्रेंड को पता करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है वो है 200 डेज का मूविंग एवरेज, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि एक साल के अंदर करीब करीब 200 ट्रेडिंग के डेज होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको यह पता लगाना है कि कोई शेयर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तब आप उसमें इस्तेमाल करते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज। और एक ध्यान रखिए एक नियम, कि अगर शेयर अप ट्रेंड में है सिर्फ तो ही आपको शेयर को खरीदना है, यह हमने आपको ट्रेंड एनालिसिस में बताया था। तो किसी भी शेयर के चार्ट पर 200 डेज मूविंग एवरेज ड्रॉ कीजिए, अगर शेयर उस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है जैसे कि यहां पर, तो उस शेयर में फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी कब करनी है, जब शेयर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हो, सिर्फ तभी खरीदारी करनी है। ये आपको शेयर का चार्ट दिख रहा है, अगर चार्ट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो खरीदारी करनी है चार्ट में, अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है तो खरीदारी नहीं करनी। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट नियम है। अब ज़रा वो लिस्ट देखिए शेयर्स की जो हमने अवॉइड लिस्ट के तौर पर आपके सामने रखी थी, ओके, और देखते हैं कि इन शेयरों में से कितने शेयर्स ऐसे हैं जो कि वाकई इस नियम का पालन करते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज का। ओके, जेट एयरवेज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, आइडिया 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, ये दिख रहा है आपको, एवरेज लाइन ऊपर है और चार्ट नीचे है। मदरसन सुमी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, आरकॉम सेम, यही जो शेयर का चार्ट है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे है, आर पावर सेम, रिलायंस कैपिटल सेम, एनडीटीवी सेम, TV18, वक्रांगी, रेन, सुजलॉन, JP एसोसिएट्स, ये सारे दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे शेयर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे हैं। ये है सबसे पहला नियम, सबसे बेसिक नियम। अब दूसरी चीज, क्या सिंगल मूविंग एवरेज के अलावा हम एक से ज़्यादा मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट में? जवाब है बिल्कुल, और यहीं पर इम्पॉर्टेंस आती है डबल मूविंग एवरेजेस की। जब हम एक से ज़्यादा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं तब जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे? दूसरा मूविंग एवरेज जिसे हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा 30 दिनों का। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो ट्रेडर्स हैं और जो निवेशक हैं, इन दोनों के लिए ही मूविंग एवरेजेस का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। ट्रेडर्स बिल्कुल छोटे मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, एक दिन, दो दिन, पाँच दिन। निवेशक बड़े मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, 200 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 30 दिनों के, ठीक है। सो हम चूंकि शेयर एकेडमी के तौर पर बड़े लंबे समय के लिए शेयर में निवेश करते हैं, इसलिए हम बड़े मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए नियम क्या है, जब भी कभी भी आप दो मूविंग एवरेज इस्तेमाल करें, इसमें कि जो छोटा मूविंग एवरेज है वो 30 डेज का है और बड़ा मूविंग एवरेज 200 डेज का है, और यहाँ पर हम आप इसे आपके लिए इसे थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं, सीधे सीधे डबल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। छोटा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं 30 डेज का, और बड़ा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं 200 डेज का। अब ध्यान से देखिए, इसे रेड कलर की लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज दिखा रही है और ग्रीन कलर की लाइन दिखाती है 30 डेज का मूविंग एवरेज। नियम को ध्यान से सुनिएगा, अगर कम दिनों का मूविंग एवरेज बड़े दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए तो आपको शेयर में बाय कर लेना चाहिए। एक बेसिक नियम है बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस का, बिल्कुल बेसिक नियम, ठीक है ना।
जब भी कभी 30 दिनों का मूविंग एवरेज 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट दे, यानी ग्रीन क्रॉस ओवर रेड हो जाए, रेड के ऊपर चला जाए ग्रीन, वहां पर आपको शेयर में खरीदारी करनी है। अब देखिए शेयर है यूपीएल का, और पूरे इतिहास में देखेंगे, अभी हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे यूपीएल के पीछे कि ऐसा कब कब हुआ है। तो अगर इस लेवल के पास आप खरीदारी करते और बने रहते खरीदारी करके, तो शेयर पॉजिटिव साइड में गया। यहां देखिए ग्रीन ने रेड को ऊपर की तरफ काटा, आपने यहीं परचेज किया होता तो शेयर के पास आपको पॉजिटिव मूवमेंट मिला। और देखिए ये देखिए यहां पर शेयर ने, ग्रीन ने रेड को ऊपर की तरफ काटा, और अगर यहां आपने परचेज किया होता पॉजिटिव साइड में मूवमेंट मिला। अब बिल्कुल छोटे छोटे मूवमेंट देखिए, एकदम छोटे, ये देखिए इन लेवल्स पर आपने खरीदारी की होती, लेवल्स थे तकरीबन 171 के, और यहां से शेयर कहां तक गया, तकरीबन 206 तक। अगेन चलिए हो सकता है कि ये उदाहरण जो हमने दिया है ये शायद एक मतलब अलग से है, ये एक एक्सेप्शन है, तो फिर कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। वी गार्ड, जब जब शेयर ने ग्रीन क्रॉसओवर रेड दिया, यानी कम दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो बड़े दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर निकला, शेयर हर बार पॉजिटिव साइड में गया। ये देखिए यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। और कुछ शेयर्स लेते हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज लेते हैं, ठीक, ये देखिए ये दिखा मूवमेंट, ग्रीन अलग हुआ रेड से, ये दिखा मूवमेंट, ग्रीन अलग हुआ रेड से, यानी 30 दिनों का जो मूविंग एवरेज था वो ऊपर निकला 200 दिनों के मूविंग एवरेज के। तो आपको शेयर में खरीदारी करनी है जहां जहां भी ऐसा हुआ, ओके। और देखते हैं वेल्सपन इंडिया, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, 30 डेज का मूविंग एवरेज जहां क्रॉस कर रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के, शेयर ऊपर निकल रहा है, ठीक। और देखते हैं विप्रो, ध्यान से देखिएगा इसे, ये वो लेवल है जहां पर कि ग्रीन क्रॉसओवर रेड कर रहा है, यहां बाई कीजिए, शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। और लेवल देखिए, ये देखिए जहां पर ग्रीन क्रॉसओवर रेड कर रहा है, शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। सो सेकंड नियम क्या है कि 30 डेज का मूविंग एवरेज जब भी कभी 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तब आपको शेयर में बाय करना है। अब जरा एक मजेदार चीज देखिए कि क्यों हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इन शेयर्स को अवॉइड करना है। कहीं ऐसा है क्या कि इनके अंदर 30 डेज का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज को? जरा ध्यान से देखिए, जेट एयरवेज 30 दिनों का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ निकल गया 200 दिनों के मूविंग एवरेज से, इसलिए हमने कहा कि इस शेयर को अवॉइड कीजिए करंट लेवल पर। आइडिया दिख रहा है, 30 दिनों का मूविंग एवरेज जो है, जो छोटा मूविंग एवरेज था, वो नीचे निकल गया रेड से, तो आपको अवॉइड करना है, फ्रेश बाई नहीं करना है। मदरसन सुमी, अगेन 30 दिनों का मूविंग एवरेज 200 दिनों को नीचे की तरफ काट रहा है, ऐसे शेयर्स को हमेशा अवॉइड करना है। सो फ्रेंड्स नियम क्या क्या है, सिंगल मूविंग एवरेज में नियम है कि जब भी कभी शेयर का चार्ट का रेट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले तो परचेस करना है, अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाए तो शेयर को अवॉइड करना है बाय के लिए। सेकंड, दो मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कीजिए, 200 दिनों का और 30 दिनों का। जब भी कभी भी 30 दिनों का मूविंग एवरेज 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले तभी बाय करना है, अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया 30 दिनों का मूविंग एवरेज तो आपको शेयर से दूर रहना है, तब फ्रेश बाय नहीं करना है। फ्रेंड्स अब यहां से जो हमारे सेशंस हैं ये थोड़े थोड़े कठिन होना शुरू होंगे। आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार भी आप देखेंगे उतनी बार आपको और क्लियरली समझ में आएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें संभाल कर रखिए, शेयर एकेडमी का मकसद आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं उन्हें दूर करना है, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। जैसे जैसे ये सेशंस आगे बढ़ते रहेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते जाएंगे, अपने क्वेश्चंस एक जगह एक किसी भी एक डायरी में लिख कर रखिए, और चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं आप। यकीन रखिए कि सारे सेशंस खत्म होने के बाद आप हमसे भी बेहतर टेक्निकल एनालिस्ट हो जाएंगे। इनिशियल स्टेज में डाउट्स बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बट हम जितना सिखाते जा रहे हैं आप उतना सीखते रहिए। अब फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, क्वेश्चन अगेन सेम है, नाम दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर उन इंडिकेटर्स का जिन इंडिकेटर्स के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुन रखा है मार्केट में, जिसके बारे में आपने बिजनेस चैनल्स पर किसी फ्रेंड से या यूट्यूब के किसी चैनल पर आपने सबसे ज़्यादा सुन रखा है, उस
इंडिकेटर का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर डालिए। और साथ ही अगर आज के इस सेशन से आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिली है, आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आप पहले क्या गलतियां कर रहे थे, जो गलतियां अब आप आने वाले भविष्य में नहीं करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। फ्रेंड्स, चैनल का मकसद हमेशा आपको सिखाना है मार्केट के अंदर, जो पहले नहीं था हमारा, बट अब हमें लग रहा है कि आपको हमें सिखाना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में क्वालिटी मेंटेन करने की। सो अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है और वीडियोज़, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। शर्त सेम है कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर। तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर हमारे मॉडरेटर्स को मैसेज कीजिए, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा और अगर आप चाहें तो हमें हेल्प भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस लेफ्ट साइड में नंबर पर, जो कि है हमारा पेटीएम नंबर। आप चाहें तो पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी मदद हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।